गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 16। सो लेट स्टार्ट। डिवाइड 180 इंटू टू पार्ट सच डेट द फर्स्ट पार्ट इज 12 लेस देन द ट्वाइस द सेकेंड पार्ट। ओके, तो देखिए नंबर टोटल नंबर कितना है, नंबर इज वॉट 180। ठीक है, सो लेट द सेकेंड पार्ट बी एक्स, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट विल बी 2x माइनस 12। ठीक है, अब जो कंडीशन दी है उसमें क्या होगा, x प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 180, सो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 180, सो 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 12, सो 3x इज इक्वल टू 192, सो x इज इक्वल टू 3 6 18 एंड 3 4 12, x इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, ये आपका सेकेंड पार्ट आया, सो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, इट इज़ 2x माइनस 12, मतलब कि 2 × 64 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 128 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 116। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट पार्ट ये है 116 और सेकेंड पार्ट ये है 64। नेक्स्ट, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन इट्स डिनोमिनेटर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ईच न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शंस। सो लेट द न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है, इट इज़ 4 मोर देन, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स प्लस 4, तो मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन, देखिए ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ईच न्यूमरेटर इन द डिनोमिनेटर, मतलब कि गिवन फ्रैक्शन, गिवन कंडीशन, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है, विच बिकम्स इक्वल्स टू 1/2, मतलब कि x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू वॉट, 1/2। सो 2 × x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 × x प्लस 3, सो इट्स 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन x प्लस 4, तो x क्या है, 5 अपॉन 5 प्लस 4, तो मतलब क्या हुआ, 5/9। ठीक है, ओके, चलिए 18, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द डबल द न्यूमरेटर। ठीक है, तो देखिए अगर न्यूमरेटर में x लेती हूँ तो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 मोर देन डबल द न्यूमरेटर। ठीक है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन इज वॉट, x अपॉन 2x प्लस 1, ऑन एडिंग 2 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो एडिंग 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 वी ऑब्टेन 1। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखिए x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 2। ठीक है, तो x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, तो एक्स इक्वल्स टू 4, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हुआ, 4 अपॉन 2 × 4 प्लस 1, तो 4/9 इज द फ्रैक्शन, राइट। द सम ऑफ द टू डिजिट्स, देखिए कोई भी नंबर है वो दो डिजिट से बना हुआ है तो उसको दो टू नंबर कहते हैं, नंबर विद टू डिजिट्स, थ्री डिजिट्स मतलब 365 है तो उसको नंबर कितने डिजिट्स है उसके अंदर, थ्री डिजिट्स है, 25 है तो कितने डिजिट्स है उसके अंदर, दो डिजिट्स है।
ठीक है, तो क्या होगा, देखो यूनिट प्लेस मतलब कि अगर ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ठीक है, अगर मैं यूनिट प्लेस को एक्स लेती हूँ, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 5, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, ये 10 डिजिट वाला क्या होगा, 5 माइनस x होगा, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर देखिए, कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर मुझे लिखना है, सपोज ये 27 ही है, तो मैं क्या लिखूँगी, 20 प्लस 7, मतलब कि क्या, 2 × 10 प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, तो क्या होगा, ओरिजिनल नंबर विल बी 10 × 5 माइनस x प्लस x, राइट, विच इज़ इक्वल टू 50 माइनस 10x प्लस x, विच इज़ इक्वल टू 50 माइनस 9x, राइट। तो ये ओरिजिनल नंबर। अब बोल रहे हैं कि नंबर को रिवर्स करो, नंबर रिवर्स होगा तो क्या होगा, देखिए टेंस और वंस, तो ये यहाँ पे हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा, तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस 5 माइनस x, ठीक है, तो क्या होगा, 9x प्लस 5, ओके। अब जो कंडीशन दी है क्या है, कि ऑन एडिंग 27 टू द नंबर इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब ओरिजिनल नंबर में 27 को ऐड करो, ठीक है, मतलब कि ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर प्लस 27 गिव्स यू रिवर्स नंबर, ओके। सो ओरिजिनल नंबर क्या है, इट्स 50 माइनस 9x प्लस 27 इज इक्वल टू 9x प्लस 5, ओके। सो यहाँ पे 77 माइनस 5 इज इक्वल टू 18x, सो 18x इज इक्वल टू 72, ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 4, ओके। तो नंबर क्या हो गया मेरा, नंबर हो गया ये टेंस एंड वंस, सो 5 माइनस 4 एंड 4, तो नंबर हो गया 14, ठीक है, सो द नंबर इज 14। नेक्स्ट 20, व्हाट सेम नंबर शुड बी एडेड टू ईच वन ऑफ द नंबर्स 15, 23, 29, 44 टू ऑब्टेन नंबर्स विच आर इन प्रपोर्शन, लेट एक्स बी द नंबर विच इज एडेड, विच वी एड, लेट वी एड एक्स टू ईच नंबर, ठीक है, मतलब कि 15 प्लस x, 23 प्लस x, प्रपोर्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ठीक है, मतलब कि 15 प्लस x अपॉन 23 प्लस x इक्वल्स टू 29 प्लस x अपॉन 44 प्लस x, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो 15 प्लस x इंटू 44 प्लस x इक्वल्स टू 29 प्लस x इंटू, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए ये 15 × 44 क्या होगा, ये होगा 660 प्लस 15x प्लस 44x प्लस x² इक्वल्स टू, सिक्स सिक्सटी सेवन प्लस 29x प्लस 23x प्लस x², ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 660 प्लस 59x प्लस x² इक्वल्स टू 667 प्लस
फिफ्टी टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 59x माइनस 52x इज इक्वल टू 667 माइनस 660, तो ऑब्वियसली 7x इज इक्वल टू 7, सो x इक्वल्स टू 1। तो मतलब जब भी हम ये चारों नंबर में 1 ऐड करेंगे तो ये चारों नंबर क्या होगा, प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 110, वन फिफ्थ ऑफ अ लार्जर नंबर इज 8 मोर देन 1/9 ऑफ द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर्स। देखिए सम ऑफ टू नंबर्स है, ठीक है, तो सम इज व्हाट 110, ठीक है, तो लार्जर नंबर को x ले लेते हैं, लार्जर नंबर x, स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू 110 माइनस x, वन फिफ्थ ऑफ अ लार्जर नंबर इज 8 मोर देन द 1/9 ऑफ अ स्मॉलर नंबर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या, तो 9x इज इक्वल टू 550 माइनस x प्लस 9x इज इक्वल टू 550 माइनस 5x प्लस, तो यहाँ पे x 5x इस तरफ लेके जाएंगे तो 14x इज इक्वल टू 910, सो x इक्वल्स टू 65, ठीक है। सो लार्जर नंबर इज इक्वल टू 65 एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 45, फाइन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन 12/13 एंड 6 टाइम्स दैट नंबर इज एडेड टू डिनोमिनेटर इफ द न्यू फ्रैक्शन इज 1/11, ठीक है। तो देखिए जो फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन इज 12/13, सो लेट x बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो मतलब 12 माइनस x अपॉन 13 प्लस 6x इक्वल्स टू 1/11, सो 11 इंटू 12 माइनस x इज इक्वल टू 13 प्लस 6x, सो द राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर 120 सेंटीमीटर हैज इट्स टू परपेंडिकुलर साइड्स इन द रेशियो 5:12, फाइंड द लेंथ ऑफ इज साइड्स, ठीक है। तो मतलब ए सी फाइंड करना है हमें, सो यहाँ पे तो हाइपोटेन्यूस जाएगा, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, सो 169x स्क्वायर, सो ए सी इज इक्वल टू 13x, ओके। साइड्स फाइंड करने के लिए हमारे पास x होना चाहिए, और x हमें कहाँ से मिलेगा, पेरीमीटर जो दिया है उससे, सो इट्स 5x प्लस 12x प्लस 13x इक्वल्स टू 120, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए 30x इक्वल्स टू 120, सो x इक्वल्स टू 4, राइट। तो सारी साइज आपको कैसे मिलेगी, सो फर्स्ट साइज विल बी 12x इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 48, ठीक है। उसके बाद 13 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू
13 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 13 फोर ज़ा 52 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक और है फाई, फाई एक्स इक्वल्स टू फाई मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 20, ठीक है।